सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या पर शिव भगवान और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को विधि विधान से करने पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन सुबह नदी में स्नान करने का भी महत्व है। यही वजह है कि सुबह से ही श्रद्धालु प्रमुख नदियों पर उमड़े हुए हैं और स्नान पूजन कर रहे हैं। चौदह नवंबर से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कपाट बंद होने की प्रक्रिया क्या है, न्यूज 18 के रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा है। चौदह नवंबर को सबसे पहले देवताओं में श्रेष्ठ भगवान गणेश के कपाट बंद किए जाएंगे। दूसरे दिन आदिकेश्वर के कपाट अन्नकूट के बाद बंद होंगे। तीसरे दिन की प्रक्रिया में बद्रीनाथ धाम में खड़क पुस्तकों का वाचन बंद होगा, यानी कि पुस्तकों से मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता है। 17 नवंबर को माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने का निमंत्रण और 18 को दोपहर 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पूजा में अग्रगणी पूजा उनकी होती है, जैसे पूजन में उनका आह्वान प्रथम किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जब कपाट बंद किए जाते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी के कपाट ही निवेदन किए जाते हैं। कपाट बंद होने के दूसरे दिन आदि गुरु शंकराचार्य, उद्धव और कुबेर की डोली पांडुकेश्वर पहुँचेगी और 20 नवंबर को जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो जाएगी और यहीं पर शीतकाल में इनकी पूजा अर्चना की जाएगी, जबकि कुबेर और उद्धव जी की पूजा शीतकालीन स्थल पांडुकेश्वर में की जाएगी। इस साल की जो नर पूजा वो समाप्त हो जाएगी और 18 तारीख को 3:33 के बाद भगवान की पूजा देव पूजा में सम्मिलित हो जाएगी। उस दिन से कहते हैं कि भगवान की जो शीतकालीन की पूजा नाराज जी करेंगे। शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की पूजा मान्यता अनुसार नारद जी करते हैं और ग्रीष्म काल में मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में रावल पूजा संपन्न कराते हैं। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नाले नैनीताल की लाइफलाइन है। अंग्रेजों ने इनको नैनीताल शहर बचाने के लिए तैयार किया। वो वक्त के साथ इन नालों पर भी अतिक्रमण हो गया। पिछले दिनों नैनीताल शहर में अतिक्रमण पर बुलडोजर तो चला, लेकिन इन नालों को खाली नहीं कराया जा सका। नैनीताल शहर के इन नालों पर तेजी से अतिक्रमण हुआ है। शहर के आयार पाटा से लेकर शेर का डांडा तक नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। तो चार्टन लॉज स्टॉप हाउस और स्नो व्यू तक नालों में निर्माण कर दिया गया है। अंग्रेजों के दौर में बने इन नालों पर अतिक्रमण से शहर पर खतरा बढ़ने लगा है। हालांकि पर्यावरण प्रेमी मानते हैं कि इन नालों की वजह से ही शहर आज तक टिका हुआ है। 1990 के बाद इन नालियों में अतिक्रमण होने लगा और जो लोग नालियों के करीब रहते थे, समीप रहते थे, उन लोगों ने नालियों के ऊपर निर्माण भी शुरू कर दिया। जो आपके शेर का डांडा क्षेत्र है, उसमें जो अपर शेर का डांडा है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो वो नालियाँ हैं नीचे तो दिखाई देंगी, लेकिन उनका जो उद्गम स्थल है, वो उद्गम स्थल में नालियाँ कहाँ पर हैं, कहाँ जा रही हैं, ये आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर इतना भारी निर्माण हो चुका है। गौरतलब है कि नैनीताल शहर में 1867 में पहले भूकंप आया और 1880 में तो बारिश और भूकंप से 151 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों की हिल साइड सेफ्टी कमेटी ने नैनीताल शहर को बचाने के लिए 79 किलोमीटर के 64 नालों का निर्माण करवाया। नैनीताल के लिए तैयार इन लाइफ लाइन पर 1990 के बाद अवैध निर्माण जमकर हुआ तो कई नालों की दिशा भी बदल गई, जिसका असर गर्मी में नैनी झील पर भी पड़ रहा है। हमने पीडब्ल्यूडी और सिंचाई को एक संयुक्त सर्वे करने के भी निर्देश दिए हैं। जो नाले हैं नैनीताल नगर के, उनमें विभाग दोनों संयुक्त सर्वे करेंगे और जहां टूट फूट इत्यादि हुई है या इंक्रोचमेंट इत्यादि हुआ है
उसका एक प्रपोजल सबमिट करेंगे, उसको हम लोग सुधारीकरण के लिए टेकअप करेंगे। बहरहाल नैनीताल के नालों पर अतिक्रमण से सरोवर नगरी में खतरे की घंटी भी बज गई है। नींव हिलने से शहर पर चौतरफा संकट दिखाई दे रहा है, तो कभी भी 1880 जैसे हालात बन सकते हैं। अगर इन नालों को खाली नहीं करवाया गया तो भविष्य खतरे में है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।